हर हर महादेव, जय जय मेरे गंगे मैया जी, जय जय मेरे गंगे मैया जी। मित्रों, 1 जून 2021, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, आनंद में होंगे। और एक जून, जून सुनकर डर लगता था कि गर्मी में क्या हाल होगा जून में। और यहाँ जून में अभी भी ठंड लग रही है। ये प्रकृति कैसे बदल रही है, देखिए बारिश पूरी रात से हो रही है। हर हर महादेव। और मित्रों, मेरी वीडियोस में कुछ आपको कमी लगती है, कुछ सुधार हो सकता है, तो अपनी राय कृपया अवश्य दिया करें। कई बार मैं भी सोचने पर मजबूर हो जाता हूँ कि ऐसा क्या कारण है कि गंगा मैया जी के इतने पवित्र दर्शन करवाता हूँ, मंदिरों के इतने पवित्र दर्शन करवाता हूँ, इतने सुंदर प्राकृतिक दृश्य आपको ऐसे स्थान से करवाता हूँ, उसके बाद भी लाइक कमेंट नहीं आते हैं वीडियोस पर। क्या कमी है मेरी वीडियो में, मुझे पता नहीं चल पा रहा है। आप कृपया बताइएगा क्या क्या कमियाँ हैं, क्या सुधार हो सकता है, ताकि मैं वो कर सकूँ। जय मेरी गंगे मैया। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में भी कहा था कि कलयुग में बुराई के साथ लोगों की भीड़ खड़ी होगी और अच्छाई के साथ गिने चुने लोग ही होंगे, उनमें से आप भी हैं। क्योंकि बुराई के साथ तो आपने देखा ही होगा, कोई फिल्मों में कोई नाचने वाली, कोई नाचने वाला, जरा सा कुछ बोल दे या जरा सा कुछ छोटी सी वीडियो बना दे तो लाखों लाइक कमेंट आ जाते हैं उन पर तुरंत। और हमारे फौजी भाई जब शहीद होते हैं और उनकी कोई वीडियो आ जाती है तो वहाँ पर गिने चुने लोग ही कमेंट करते हैं। ऐसे ही ये मंदिरों की, धर्म की बात आती है। आज डिस्को में, बार में जाने वालों की संख्या ज़्यादा है मंदिरों में जाने वालों से। कोई बात नहीं, हमें अपना कर्म देखना है, हमें अपना कर्म करना है। जय मेरी गंगे मैया, जय मेरे भोले शंकर महादेव, जय मेरे शंभु, ओम नमः शिवाय। माँ ने मुझे प्रेरणा दी है आप लोगों तक दर्शन पहुंचाने की, माँ गंगा जी के और मंदिरों के। मैं अपना कर्म करता हूँ, और क्या, बड़ों ने कहा है कि फल की इच्छा छोड़ देनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, लेकिन कलयुगी इंसान है हम इच्छा हो ही जाती है। जय मेरे शंभु। हर हर महादेव, हर हर गंगे, जय मेरे गंगे मैया, हर हर गंगे, जय मेरे गंगे मैया जी, जय जय मेरे गंगे मैया जी, जय जय मेरे गंगे मैया, जय मेरे भोले शंकर महादेव। और मित्रों, आप लाइक कमेंट करना भूल जाते हैं वीडियो को, देखते भी काफी कम लोग हैं, लेकिन कहना मेरी माँ का और भी एक दो तपस्वियों ने मुझे कहा है कि सबके भाग्य में ये दर्शन नहीं होते, जिन तक पहुंचते हैं वो उनकी भाग्य है, परंतु लाइक कमेंट करना जो भाई बहन देखते हैं वो आपके हाथ में है, कर सकते हैं, उससे सपोर्ट मिलता है वीडियो को और 4 भाइयों तक जाने में कि इस वीडियो को इतने लोगों ने लाइक किया है, इतने लोगों ने देखा है, तो हम भी देखें। यही
उद्देश्य है बार बार ये बात कहने का कि लाइक करें, कमेंट करें। जय मेरी गंगे मैया, हर हर गंगे, ओम नमः शिवाय। जय मेरे भोले शंकर महादेव, जय नाग देवता जी, जय गणेश भगवान जी, जय पार्वती माता जी, जय शिव शक्ति जी की जय हो, कार्तिकेय भगवान जी की जय हो, नंदी भगवान जी की जय हो, जय जय मेरे मैया जी, जय जय मेरे गंगे मैया जी, हर हर गंगे, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, जय जय मेरे गंगे मैया जी, ओम नमः शिवाय, जय मेरे भोले शंकर महादेव, हर हर महादेव। मित्रों, अभी वार्निंग का सायरन बजाया जा रहा है और उधर भागीरथी जी में और इधर अस्सी गंगा जी में, दोनों में जल स्तर बहुत बढ़ गया है। हो सकता है कहीं ऊपर बादल वगैरह भी फट गया हो या बांध से पानी छोड़ेंगे। अस्सी गंगा जी में इतना बढ़ा हुआ पानी मैं पहली बार देख रहा हूं, और पहले भी जब बाढ़ आई थी तो सबसे ज्यादा इधर अस्सी गंगा जी में ही जलस्तर बहुत ज्यादा बढ़ गया था। जेसीबी बह गई थी और ना जाने यहाँ पुल था वो बह गया था और काफी कुछ हानि हुई थी उस समय। देखिए, इतना जलस्तर मैंने पहले अभी तक नहीं देखा है। और अस्सी गंगा जी का पानी में कभी मिट्टी नहीं होती है, कभी भी बिल्कुल स्वच्छ निर्मल जल होता है हमेशा, लेकिन आज उसमें भी काला पानी हो गया है, मिट्टी हो गई है। कल सुबह से लगातार बारिश हो रही है, रात से ज्यादा ही हो रही है। हो सकता है ऊपर कुछ बादल वगैरह भी फट गया हो, देखते हैं आगे क्या रिपोर्ट मिलती है। और अभी सायरन बजाया है, इसका मतलब अभी जलस्तर और बढ़ने वाला है, वो वीडियो भी मैं आपको पहुंचाऊंगा। जलस्तर बढ़ेगा, पक्का बढ़ेगा, क्योंकि सायरन बजाने के 15-20 मिनट बाद जलस्तर बढ़ता है, दिखाऊंगा मैं आपको। हर हर महादेव, जय जय गंगे मैया जी। ये देखिए मित्रों, दोनों ही नदियों में काफी तेज बहाव हो गया है, पानी जल की मात्रा बहुत ज्यादा हो गई है, बहुत ज्यादा। ये जो अब दिख रहा है, गंगा जी इतना चौड़ाई में नहीं बहती थी, बहुत ज्यादा चौड़ाई बढ़ गई है। और अस्सी गंगा जी के जो इस तरफ आपको ये जल धारा दिख रही है, वो जल धारा भी बहुत छोटी होती थी मेन, और ये साथ में अब ये भी हो गई है। और मैंने सुना है आज केदारनाथ में भी कोई ग्लेशियर फटा है, और हो सकता है शाम होते होते ये जलस्तर और बढ़ेगा, ऐसा दृश्य पहली बार देख रहा हूं मैं। अस्सी गंगा एवं माँ भागीरथी जी के संगम, और ऐसा विकराल रूप। और मैंने सुना जब पहले आपदा आई थी तो अस्सी गंगा जी जो वहां बह रही है वो पहले यहां बहती थी इस किनारे पर, आपदा जब आई तो उस समय वो उस तरफ बहना शुरू हो गई, नहीं तो पहले यहाँ ये किनारा लाइन बनी हुई है, यहाँ बहती थी वो पत्थरों के इधर। जय मेरी गंगे मैया, हर हर गंगे। मित्रों, सायरन बज रहा है, खतरे का, पानी से दूर होने, नदी से दूर होने का संकेत है ये। जल स्तर बहुत बढ़ने वाला है, ऑलरेडी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, हो सकता है और ज्यादा बढ़ेगा। जय मेरी गंगे मैया। और मैंने सुना है ग्लेशियर फटा है, हो सकता है उसका भी कारण हो ये यहाँ पर जल बढ़ने का। मित्रों, गंगा मैया जी का रूप काफी विकराल हो गया है, और शाम तक ये और विकराल हो सकता है, जिस तरह से सायरन बज रहे हैं, वार्निंग्स
आ रही हैं, चेतावनियां दी जा रही हैं। चलिए पास चल के देखते हैं। मित्रों यहाँ पर काफी बड़ी बड़ी चट्टाने थी जिन पर अक्सर मैं बैठकर स्नान भी करता था और ध्यान भी करता था। आपने भी शायद वीडियो में मेरी में देखी होंगी, सब डूब चुकी हैं और ये बहुत बड़ी चट्टान है जो अभी थोड़ी सी यहाँ से आपको कैमरे में ये दिखाई दे रही, ये काफ़ी बड़ी चट्टान है जो कि डूब चुकी है। और ये देखिए लोग मौके का फ़ायदा उठा रहे हैं, मछलियाँ पकड़ रहे हैं जाल डाल कर करें। गंगा मैया जी में मछलियाँ पकड़ना, भगवान इनको सद्बुद्धि दे, ये कितना बड़ा पाप कर रहे हैं। पहले कई बार मेरे लोगों से कहा सुनी भी हो जाती थी इस बात पर, फिर मैंने उनको उनके कर्मों पर छोड़ दिया। मैं कब किससे लड़ाई मोल लेता रहा हूँ, झगड़ा मोल लेता रहा हूँ, वो जो कर रहे हैं उनके लिए कर रहे हैं। एक जरा सा स्वाद का जीभ का लालच, उनको कोई भूखे से नहीं मर रहे वो कि भूख के कारण वो ऐसा मछली पकड़ रहे हैं, वो सिर्फ एक स्वाद के कारण फ्री में मछलियाँ मिलेंगी। कितना बड़ा पाप कमा रहे हैं उनको अभी अंदाजा नहीं है। जय मृगंगे मैया। उफान आप देख सकते हैं गंगा मैया जी में, लहरें हर जगह अलग अलग, जय मेरी मैया। हर हर गंगे। हर हर गंगे, हर हर महादेव। ओम असली गंगा जी में जो बहुत कम जल होता था, आज देखिए कि इधर भी फैला हुआ है। और उधर भागीरथी जी की चौड़ाई बहुत बढ़ गई है, पहले से डबल हो गई है लगभग। और ये संगम के दृश्य देख रहे हैं आप, मित्रों प्रकृति की कलाकारी देखिए, क्या अद्भुत चित्र बना रखा है प्रकृति ने। जय मृगंगे मैया। वाह अद्भुत,